नमस्कार दोस्तों, स्वदेशी चिकित्सा में आपका स्वागत है। दोस्तों देखिए, कई बार ऐसा होता है कि जैसे हम थोड़ी बहुत चिंता कर लेते हैं है ना, या फिर जैसे हम थोड़ी ठंड लग जाती है, या फिर और भी किसी के जैसे कब्ज हो जाती है, तो किसी भी कारण से और भी बहुत सारे इसके कारण हो सकते हैं, तो हमें सर में दर्द होने लगता है। तो हम उसकी तब सर में दर्द होता है तो हम भाग कर क्या करते हैं, सीधे जाते हैं कि कोई भी एलोपैथी की गोली वगैरह लेते हैं। तो ठीक है, सर में दर्द है वो तो उससे ठीक हो जाता है, लेकिन मान लो कभी कभार हमने वो गोली ली है तब तो ठीक है, इतना ज़्यादा कोई नुकसान नहीं है, हम ले सकते हैं। लेकिन यदि हमें रोज सर में दर्द होने लगे और हम फिर लगातार एलोपैथी की गोलियां लेते जाएं, तो फिर उससे हमें और भी साइड इफेक्ट हो सकते हैं और भिन्न भिन्न प्रकार की बीमारियां फिर हमें उससे होने लगती है। क्योंकि वो सर में दर्द तो ठीक कर देगी, लेकिन वो उस कारण को वो खत्म नहीं कर सकती उसके। तो जब तक हम उस कारण को नहीं जानेंगे तब तक सर में दर्द पूरी तरह से ठीक नहीं हो सकता। तो ठीक है, मान लो हम एलोपैथी की गोली ले रहे हैं, तो लेकिन क्या उसकी जगह कोई ऐसा कोई आयुर्वेदिक उपाय भी है कि जो हम गोली की तरह ही प्रयोग कर सके? क्योंकि अभी तक क्या होता है कि ज्यादातर वो आयुर्वेद की जो दवाइयां होती है वो चूर्ण के रूप में होती हैं, और एक आम व्यक्ति जल्दी से चूर्ण लेना पसंद नहीं करता। तो फिर उसकी जगह ऐसा हमारे पास क्या ऑप्शन है कि गोली के रूप में ही हम वो ले पाए? तो देखिए, उसके लिए हम ये आपके खास लेकर आए हैं, ये है सिर सुलादी वज्र रस। ठीक है, वैसे सुनने में ये आपको रस लग रहा होगा, हो सकता आपको लगता हो ये पीने की चीज है। जी नहीं, ये पीने की चीज नहीं है, इसका नाम ही रस है। बाकी ऐसी गोलियां हैं, ठीक है ना, ये ऐसी गोलियां हैं। तो इसको आपको देखो, ये गोली आपको लेनी है, कितनी? दो गोली आपको बिल्कुल गर्म पानी से या फिर चाय के साथ में। जब भी आपको सर में दर्द हो तो बिल्कुल या तो आपको गर्म पानी से लेना है या फिर आपको चाय के साथ इसको प्रयोग करना है। ठीक है, तो एक बार में ही लगभग तो सर में दर्द ठीक हो जाता है, और यदि किसी को एक बार में ठीक न हो तो लगभग घंटे भर बाद में आप इसकी दो गोली दोबारा से ले सकते हैं। तो फिर दोबारा लेने के बाद में लगभग हो सकता है कि आपका सिर में दर्द अवश्य ही पूरी तरह से ठीक हो जाएगा। तो ये बहुत ही एक अच्छा ऑप्शन है, साइड इफेक्ट कुछ नहीं है क्योंकि आयुर्वेदिक चीज है। ये आप किसी भी कंपनी का ले सकते हो, जिस कंपनी के ऊपर आपको विश्वास हो और आपको लगता हो कि भाई ये कंपनी अच्छी चीज बनाती है। मैं यहाँ किसी भी कंपनी का मैं प्रचार नहीं कर रहा हूँ, मैं सिर्फ इस आपको ये दवाई बता रहा हूँ। आप किसी भी कंपनी की जो भी आपको पसंद हो वो आप ले सकते हो। ठीक है, तो एक बार इसको आप अवश्य प्रयोग करके देखिए। जब भी आपको अब की दोबारा सर में दर्द हो अब की बार, तो एक बार आप ये आप घर पे ला के रख सकते हो। ये ज्यादा महंगी नहीं आती, 10-20-50 रुपए की सस्ती सस्ती दवाइयां आती हैं आयुर्वेद की। तो आप ला के घर पे रख लो, और यदि आपके सिर में दर्द हो फिर आप इसकी दो गोली लो, फिर यदि ठीक हो जाता है तो ठीक है, या फिर घंटे भर बाद में दोबारा से दो गोली ले लो। ठीक है, सभी लोग इसको जो ले सकते हैं, जैसे ज्यादा छोटे बच्चे हो वो तो शायद नहीं ले पाएंगे, लेकिन जो गोली वगैरह जो एक एलोपैथी की ले रहे हैं तो वो इसको आसानी से ले सकते हैं। ठीक है, और पूरी तरह से आपका सर में दर्द बिल्कुल पूरी तरह से ठीक हो जाएगा और कोई भी साइड इफेक्ट आपको देखने को नहीं मिलेगा। ठीक है ना, तो एक बहुत ही अच्छा ऑप्शन है चूर्ण की जगह, यदि कोई लोग चूर्ण इत्यादि का प्रयोग नहीं करना चाहते। और जिनको बार बार सर में दर्द होता है उनके लिए भी आयुर्वेदिक औषधि है, वो हम अगले वीडियो में बताएंगे। लेकिन जो आपके कारण है, जिस कारण से आपको सर में दर्द हो रहा है, उस कारण को आपको अवश्य ही ठीक करना, ये आपको ध्यान में रखना है, ताकि रोज रोज आपके सिर में दर्द न हो, आपका खान पीन वगैरह सुधारना है। बस ये छोटे मोटे कारण ही होते सिर में दर्द के। तो दोस्तों, यह वीडियो आपको कैसे लगे ये आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। आपका कोई भी क्वेश्चन हो तो आप हम कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। तो दोस्तों, ऐसे ही और भी वीडियो देखने के लिए इस चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि आपको और भी बेहतरीन बेहतरीन वीडियो अब आपको इस चैनल पर मिलने वाले हैं। दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक बने रहिएगा हमारे साथ। जय हिंद, वंदे मातरम।